रिपब्लिक डे. थैंक यू. थैंक यू. करण सर. So why? I'm really excited. I'm always excited. I have a full record of attending Filmfare Awards from the, I think since it started, I think. Since the nomination setup started, I have a full 100% attendance record with Filmfare. So, if actual information is there, सबसे ज़्यादा Filmfare Award किसके पास है? सबसे ज़्यादा गुलजार साहब के पास है ना? हाँ. But एक साल पूरे साल में एक्टर और एक्ट्रेस पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं टू गेट द ब्लैक लेडी होप. जी. तो ये नया साल है, न्यू बिगनिंग है, तो आप इस साल क्या स्पेशल करने वाले? देखिए, देश का सबसे बड़ा मोस्ट आर्काइव्ड अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है, फिल्मफेयर अवार्ड है, दोनों बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर्स हैं. तो जाहिर है कि जीतना बहुत बड़ी बात होती है. मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी जब मैंने अपनी पहली फिल्म के लिए मैंने अपना फिल्मफेयर अवार्ड जीता. इट वाज अ बिग ऑनर फॉर मी. और आज भी मेरे 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 बेडरूम के टेबल पे एक ही अवार्ड पड़ा है, मेरा फर्स्ट फिल्मफेयर अवार्ड. तो इट्स अ वेरी बिग डील फॉर एनी एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, टेक्नीशियन टू विन एन अवार्ड. और इसलिए हम हर साल आते हैं टू सपोर्ट दिस वंडरफुली आर्काइव्ड इंस्टीट्यूशन कॉल्ड फिल्मफेयर. Film of the year is Queen, and undoubtedly everyone seems to kind of be in agreement. But there were some great films. There was PK, there was Heather, there was Queen. I'm not mentioning the names of the films we produced, but these are some of the films that I absolutely love. कि मैं हमेशा जिसे कहते आ रहा हूँ कि फिल्मफेयर की अपनी एक प्रोसेस होती है जो इन अ सेंस इज द फेयरेस्ट, क्योंकि वो पॉपुलैरिटी और जूरी को बैलेंस करती है. तो मैं आई एम नॉट ऑल फॉर जस्ट जूरी ऑफ 8 members और जस्ट पॉपुलैरिटी. तो एक साथ एक सर्टन बैलेंस. लेकिन हर साल कोई खुश होता है तो कोई दुखी, तो वो दैट प्रोसेस कंटिन्यूज. टॉक अबाउट फिल्मफेयर एंड आई विल टच अपॉन नो अदर टॉपिक. आई लाइक टू विश ऑल द व्यूअर्स अ हैप्पी रिपब्लिक डे. स्टे फ्री, स्टे हैप्पी एंड डू योर बिट फॉर योर कंट्री. यू मस्ट. Alia, you're on the mark, please. Right here. Hi. Alia. Good evening. Beautiful. Thank you. Thank you. Check now my label. You don't know? Something I can't pronounce it very correct. I don't want to get messed up for it. लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अभी जूनियर करीना कपूर आ गई है हमारे इंडस्ट्री में, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अभी ये बहुत पुराना क्वेश्चन फिर से आई डोंट नो रिपीट हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. आई फील लाइक एवरीबडी इज देयर ओन पर्सन. आई कीप सेइंग दैट आई एम वेरी वेरी बिग फैन. और जब लोग कहते हैं मैं बहुत फ्लैटर हो जाती हूँ, बट आई डोंट फील इट्स एनीवेयर क्लोज टू बीइंग ट्रू. आई वॉज देयर सो आई कैन से इट वॉज आउटस्टैंडिंग. इट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग टू एक्टर्स एंड ऑफ कोर्स करण कुड डू एंड इवन द एआरबी टीम एंड एवरीबडी एल्स ऑन द पैनल. इट इज जस्ट अ नाइट टू गो. एंड I mean, if you all watch it, you also have to let go of all the questions and all the burdens you have in life and just enjoy that video. It's really something very, very gutsy to do. Ali, आपने last year तो बहुत मेहनत की कर दी, तो ये साल new beginning है. Actor और actress का एक ही सपना होता है कि साल भर मेहनत करो और black lady करने के लिए. मेरा एक्चुअली बस यही मैंने था कि साल भर मेहनत करूँ एंड ईच फिल्म गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ लव इन द एफर्ट दैट आई पुट इन. और वही हुआ मेरे साथ पिछले साल. आई डोंट नो अबाउट विनिंग द ब्लैक लेडी बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स टू विन द ब्लैक लेडी एंड टेक हर होम, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, इट्स ऑल्सो अबाउट द ऑडियंस एंड आई फील ऑडियंस इज किंग. No, no, I'm not ventured with them at all. I'm very, very fond of them. I think they're very talented too. It's by chance happened that I've done a lot of work with them. Genius of the Year being my most favorite. लेकिन stars को जाके खुद का मजाक बनाते हैं. I think ये बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि हम लोग मतलब people are constantly making fun out of you. हाँ कि कुछ ना कुछ बोल रहे क्यों ना आप खुद पे खुद का ही मजाक उड़ाओ. Then nobody can say anything. And it's supposed to be about having fun. You should be able to make a joke on yourself. I always do it. I am meaning how many jokes on me and reached all over the world now. Are you also there was so many rumors about your
like this. I have nothing to say. आपने इतना अच्छा गाना गाया तो हमारी नहीं नहीं फिर से कैसे गाना गाऊंगी? Patriotic in 26 January you have to come for our country. No, I have done enough now. You take the video from that guy. Have a day. Bye. Alia, small one please. Two lines. Not big one. Not bad. Bias. इस साल आपका क्या plan? इस साल मेरा plan है कि मैं सबके performances enjoy करूंगी. And I'll just be a part of the show. Tanisha, people expect to say that the pimpening is a lot of award and show honest it is. Do you agree with it? I think today's awards are all as honest as they can be. And I think everybody makes a very conscious effort to keep the film industry happy and at the same time to keep the people happy and to nominate the people that people have enjoyed. Naya saal hai, first month hai saal ka. Any lined up project you have? Yes, we do have a few things in line. Well, I've launched my production house, so there will be stuff happening in that. As far as acting is concerned, that will also be happening. But as you said, it's the first month of the year, so look forward to the things. So Republic Day is on 26 January. I wish all the viewers a very happy Republic Day. It's very important to be patriotic because this is our country and we're not going anywhere. No. Kitne excited ho 16th Filmfare Award? It's always exciting to be at Filmfare and we're really looking forward to a fun and a wonderful evening applauding our subordinates and our colleagues. Also, how's married life treating you? I'm guessing this is the first sort of an award night that you guys will be going to together? That's true actually. This year we haven't made it to anything together yet. Yeah. Either I'm not there or Dia's not there. But yeah, this is going to be the first one together. Great. But experts say that एक ही ऐसा एक लौटा award function है फिल्म पे जो honest है चीजों को लेके ये बात पर बदली करते हो? It's the most senior of all awards. It's also one that is very very respected. जब मैं बचपन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ये एक लौटा अवार्ड याद आता है जहाँ पर विद ग्रेट फैसिनेशन वी वुड सिट इन फ्रंट ऑफ आवर टेलीविजन सेट्स एंड वॉच इट एंड आई थिंक इट्स दैट मेमोरी दैट नॉस्टैल्जिया एंड व्हाट इट हैज कैरीड फॉरवर्ड इज अ लेगेसी दैट मेक्स इट सो स्पेशल. Well, we hope we can make films that will help us earn the Black Lady. And we look forward to being able to do that. Only the 26th January is on the Republic Day wishes for the viewers. Here's wishing all my fellow Indians a very, very happy Republic Day.